अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व्यूअर्स, आज हम ओपन करने जा रहे हैं कैनन LVP 6000 प्रिंटर। यू कैन से दैट असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग। अभी हम पहले इसको डिसअसेंबल करेंगे, उसके बाद इसको असेंबल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन करते हैं। इसके ये दो सक्रिय होंगे, 1, 2। हम इसको मैंने पहले कर लिया था, अभी हम दोनों साइड को ओपन करते हैं। हम ये नेक्स्ट ये थर्ड नंबर पे जो है ये एक छतरी है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये सब ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ओपन करना, ये लॉक होते हैं ये नीचे वाली साइड पर, हमने इसको ओपन कर लिया, ये ओपन हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा ये भी ओपन हो गया। ओके, हमने इसको ओपन कर दिया। अभी ये हमारा ऐसे ओपन हो गया, हम इसको ओपन करेंगे ऐसे। ये इसके लॉक है, ये इधर अगर नजर आए तो ये इसका लॉक होता है, हमने इसको प्रेस करके निकालना होता है। ये लॉक हमारा निकल गया, ये हमारा फ्रंट कवर ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, ये लॉक होता है, ये राइट साइड का कवर है, इसको ओपन करेंगे, इसके इस लॉक को ओपन करेंगे ऐसा। ये नीचे वाली साइड पे भी लॉक होता है इसका। ये साइड कवर एक हमने रिमूव कर लिया, दूसरा रिमूव कर लिया। अब हम लेफ्ट साइड का जो साइड कवर है उसको ओपन करेंगे। नीचे से भी लॉक होते हैं, उसके लॉक को नीचे से हमने हटा लिया। अब हम यहाँ से ओपन करेंगे उसको, ये भी ओपन होगा, ये भी ओपन हो गया हमारा। अगर हम अपने टोनर को निकालेंगे तो ऐसे टोनर निकालेंगे। ये हमारा हो गया। हमने इसके हीटर असेंबली या फ्यूजर यूनिट जो है हमने उसको चेंज करना है बेसिकली। तो हम इसका ये ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटेड बोर्ड, इसको हम फॉर्मेटेड बोर्ड कहते हैं। ये हमारा फॉर्मेटेड बोर्ड ओपन हो गया, हम इसको ओपन कर लेंगे। ये नेक्स्ट जी हमने इसकी ये जो है केबल्स उतारनी है। इसकी केबल्स कैसे उतारनी है, ये लॉक होता है और आपको नज़र आ रहा है, ये लॉक मैंने प्रेस की है और ये ओपन हो गया। नंबर 1, नंबर 2 ये हो गई, नंबर 3 ये आप वैसे पुल करेंगे तो ओपन हो गया। नंबर 4 पर हमारी ये ग्राउंड होती है, ये हमने ग्राउंड ओपन करनी है। ये ग्राउंड हमने ओपन कर ली। ये हमारा ग्राउंड ओपन हो गया और हमने इन सब केबल्स को सपोर्ट कर लेना। ये हमारा पूरा केबल सपोर्ट हो गया, अभी हम इसको भी सपोर्ट कर लेते हैं। ये ऊपर एक छोटा सा कवर लगा होता है, ये वाला कवर हम इसको कवर को ओपन कर लेंगे। इसका भी लॉक होता है ऊपर, ये देखिए इधर लॉक है, ये इसके नीचे लॉक है, ये लॉक है। हम इसके लॉक को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उतर गए। ये हमने उतार लिया। अब इसके इतने 3 स्क्रू हैं, नंबर 1 ये स्क्रू है, हम इसको ओपन कर लेते हैं।
2 के ये सब जो है और नंबर 3 पे ये सब जो है इन नंबर 3 पे सक्रिय हुए। और अभी हमने इसको ऐसे बैक साइड को पुश करना, थोड़ा बैक साइड को पुश करके तो निकाल लेना। सबसे पहले इसकी ये जो केबल है, ये केबल्स हमने निकालना है। अभी हम दूसरा फ्यूजर असेंबली इसमें इंस्टॉल करेंगे, ये एक साइड पे रखते हैं। ये हमारा 200 प्रिंटर का फ्यूजर असेंबली है, ये सेम टू सेम मॉडल में, इसलिए हम इसको अब इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है, ये जो गियर वाली साइड है, ये गियर वाली साइड पर आना चाहिए। ये गियर ऐसे ओपन कर लेते हैं, ये गियर वाली साइड पर आएगी। ये ऊपर वाली साइड पर है, ये यहाँ पर लॉक है, ये लॉक इधर आएगा, नीचे ये भी लॉक है, ये इधर आके बैठेगा इस साइड पर भी। हम क्या करेंगे, इसका ये जो एक ये लॉक है, ये लॉक इस साइड में इस पॉइंट में बैठेगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लॉक इस लॉक में जाके बैठेगा, हमारा ऑटोमेटिकली फिट होगा। अभी हम इसको बैठाते हैं कैसे देखें। ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से उसमें बैठ गया। हम अब इसको बंद करते हैं। ये दरमियान वाला जो है सक्रिय, उसको हम टाइट करते हैं। ये टाइट होगा, अब ये ऊपर वाला जाएगा। ये हमारा फ्यूजर असेंबली चेंज हो गया। अब हम इसकी वायरिंग कैसे करते हैं देखें। ये दोनों वायरों को इकट्ठे कर लेने, ये जैसे वे बना हुआ है हमने उसी वे से ही इसको उधर भेजना। ये हम लेके आ गए इधर, ये हमने छोड़ दिया। ओके, अभी हमने उसके बाद ओपन किया था ये वाला लॉक हमने इधर बैठाना, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से जैसे पहले बैठा हुआ था। ये हमेशा ऐसे बैठेगा, इसका ये लॉक है, ये लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लॉक, ये लॉक है, ये लॉक इधर बैठेगा। ये लॉक बैठ गया हमारा, हम इसको ऊपर से अभी ये वायरिंग इधर ले आते हैं। ये हमारी वायर हमारी जगह पे पहुंच गई, हम इस वायर को इधर करते हैं। ये हमारी दूसरी वायर भी इधर पहुंच गई। अब हमने सबसे पहले इसको ग्राउंड वाली वायर को ये हमने उधर लेके जानी है। ये हमने ग्राउंड वाली वायर को उधर लेके आया। ये इधर से ये लॉक है, इस लॉक के अंदर से हम भेजेंगे, बाद में हम इधर से भेजेंगे। इधर से पहले हम इसको बैठा लेते हैं। जी तो जनाब ये भी हमारी फिट हो गई। ये वायर कोई मसला नहीं है, इतनी एक्स्ट्रा होती है, इसका कोई इशू नहीं है, ये यहाँ पे ही ऐसे रहती है। ये हमारे पास हम इसका ये वायर से लगाते हैं। ये वायर कैसे लगानी है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ये 2 पॉइंट वाली है, ये 2 पॉइंट वाली सबसे पहले लगेगी। ये हमारी 3rd पॉइंट 3 पॉइंट वाली है, हम इसको इससे ऐसे लगाएंगे। ये 4th नंबर पे है, ये हमारे लॉक हो गए। अभी हम ये केबल ले आते हैं। ये वाली मेन पावर केबल होती है,
फ्यूज असम्बली को जो पावर प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये पावर बोर्ड पर लगी हुई है। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये मोस्टली उतर जाता है, सही है, ये लॉक होता है, तो ये लॉक उतरा होता है, लेकिन हमने नहीं उतारा क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। अभी हम इसको विजिट करते हैं अपना फॉर्मेटेड बोर्ड। ये हमारा फॉर्मेटेड बोर्ड अपनी जगह पर पूरा फिट हो गया। ये हमारा एक पेपर के दूसरा स्क्रू जो है वो हमारे इधर आएगा। ये हमारा दूसरा स्क्रू, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप इस पॉइंट पे लगी थी, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे स्ट्रिप लगेगी। ये हमने स्ट्रिप भी लगा दिया, अभी ये हमारा एक बटन, ये हमारा बोर्ड फाइनल हो गया। हमने चेंज कर लिया है हीटर असेंबली। अभी हम क्या करते हैं, हमने मशीन, अभी हम इसको कॉर्नर को लगाते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारा कॉर्नर लग गया, ये हम इसको लॉक कर देते हैं। और अभी इसके बाद हम ये लगाते हैं ये वाले, सॉरी ये वाला, हाँ इसी साइड पे आएगा। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड का पावर लगाते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड का पावर लग गया। अभी हम दूसरा पावर लगाते हैं ये वाला पावर राइट साइड का, ये राइट साइड का पावर लग गया। अभी हम इसको ऊपर से फिट कर रहे हैं, ओके, ये वाला हमने जो फिट किया, तो ये कैसे फिट होगा देखें, इसके ये लॉक होते हैं, 1, 2, 3 लॉक। हमने तीनों लॉक को ऐसे बैठाना है, लॉक को तरीके से, ये हम ये लॉक हमने उतारा था, ये दोबारा लगा दिया। एक ये लॉक होता है, ये लॉक, और दूसरा ये लॉक, ये वाले लॉक होते हैं जो इसके अंदर बैठाने, ये हमारा लॉक होगा, ये हमारा प्रॉपर तरीके से बंद होगा। अभी हमारा ये इधर से बैठी है, ये हमारा पूरा लॉक हो गया। अभी हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा ओपन कर देना है। रीज़न क्या है कि ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक वाला जो वो हमने लगाना है, ऐसे लगेगा नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने ओपन कर लिया, हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये लॉक होते हैं, ये हमने लॉक उतार लिया, इसको पहले हम बैठा देते हैं। जी तो बोर्ड खोलने हैं, अभी ये स्क्रू लगाना है इधर, ये हम अभी हम इसको आपको रंग निकाल के दिखाते हैं। तो अभी हम इसे ऑन कर दिए,
हैं और इसको प्रिंट निकाल के आपको दिखाते हैं। प्रिंटर रेडी हो गया। हमने इसको असेंबली इसकी चेंज की थी या फ्यूज़र यूनिट हमने इसका चेंज किया और असेंबल किया, उसके बाद डिसअसेंबल किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।